नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश में लॉकडाउन 2 अब 3 मई तक चलेगा। लगातार नेगेटिव खबरों के बीच आपको हम इस लॉकडाउन की पॉजिटिव खबर बताते हैं। ये खबर देश के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। कोरोना काल में पिछले महीने थोक महंगाई दर में भारी कमी आई है। केंद्र सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट की माने तो देश में वस्तुओं की थोक मुद्रास्फीति फरवरी के 2.26% के मुकाबले घटकर 1% रह गई। वार्षिक आधार पर देखा जाए तो पिछले साल मार्च में थोक महंगाई दर 3.18% पर थी। इस हिसाब से ये गिरावट आम लोगों के लिए काफी राहत भरी है। अब आपको बताते हैं कि इससे क्या फायदा होगा। सर्दियों में प्याज के दामों में लगी आग के विपरीत मार्च महीने तक महंगाई में कमी हुई है। आज जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी में खाने पीने की चीजों की महंगाई 7.79% थी, जो मार्च में घटकर 4.91% पर आ गई। सरकार ने इसके साथ ही जनवरी के थोक मुद्रास्फीति के आंकड़े को 3.10% से संशोधित कर 3.52% कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार रोजाना इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की दामों में गिरावट दर्ज की गई है। फरवरी में सब्जियों की महंगाई दर 29.97% थी, जो मार्च में घटकर 11.90% पर आ गई है। जानकारों का कहना है कि मार्च महीने में अगर महंगाई रही भी है तो उसका सबसे ज्यादा जिम्मेदार प्याज की कीमतें ही रही। प्याज की महंगाई दर 112.31% रही है। ऐसे में इस खबर से देश के आम लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। इस दौर में जब देश की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर में हो तो समय के लिए ये खबर काफी राहत देने वाली है।